जय हिंद साथियों, मैं राज आपके YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का टॉपिक। आपका मॉक टेस्ट है, आज मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, RRB है, और एनीबॉडी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस मॉक टेस्ट को लगाइएगा। देखते हैं आप कितना सॉल्यूशन दे पाते हैं, कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाते हैं, तो इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी नए कैंडिडेट पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, ये आ चुका है आपके लिए पहला क्वेश्चन। आपके लिए मैं दूंगा 5 सेकंड का टाइम, तो लुप्त विकल्प बताओ। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपको दिख रहा होगा कि आपको तीन क्या दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं। फोर्थ नंबर्स आपको बताना है कौन सा लुप्त, आपका जो भी हिडन है नंबर वो बताना है, कौन सा हिडन नंबर है, लुप्त विकल्प कौन सा है। तो चार ऑप्शन आपके लिए दिए भी गए, बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा आपका जो 28 बिल्कुल सही होगा आंसर इसका। आप देख सकते हैं जैसे कि 13 का 20 कैसे हुआ है, तो पहले 13 को 20 करना होगा। 13 × 2 − 6 कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। ऐसे ही आपको 17 × 2 − 6 करना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 28। यही आपका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषम युग्म कौन सा है, मतलब जो कि एक तीन ये चार में से एक विषम होगा, जो कि इन तीनों से अलग होगा, वो कौन सा युग्म है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके लिए, बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, विषम आपको बताना है। तो विषम कौन सा है बताइए मुझे। तो आप देख सकते हैं ये आपको अलग से दिख रहा होगा, इसका अगर आप अंतर निकालते हैं तो आपको 15 आएगा, इसका अंतर निकालते हैं 15 आएगा, इसका अंतर निकालेंगे 15 आएगा, लेकिन इसका ओनली 5 आ रहा है। तो ये आपका बिल्कुल अपो क्या है आपका, विषम है, बिल्कुल गलत है। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा आंसर। नेक्स्ट थर्ड पर क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। लुप्त विकल्प बताइए, जो हिडन नंबर है वो आपको बताना है, कौन सा लुप्त आपका विकल्प है। चार ऑप्शन आपके लिए, बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो आपको देखिए, आप देख रहे हैं तो आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं, मतलब 3 आपको ये अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, उसके बाद फोर्थ बताना है कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अंतर आपको 1 का लग रहा होगा, इसके बाद भी 1 हो गया, फिर उसके बाद 0 हो गया है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, तो इधर भी देखिएगा आपको यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, तो 5 यहाँ पर 6 हो जाएगा, एफ़ हो जाएगा, फिर सी से डी हो जाएगा, और यहाँ पर टी से टी रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा, किस किस का सही है जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही होते जा रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, लुप्त पद बताओ। आपके लिए ये लुप्त पद बताना है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स देख रहे हैं। छठा नंबर क्या आएगा, जो हमारा सीरियल है वो सीरियल बताना है। जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर्स पर क्या आएगा। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, बताइए आपको 10 सेकंड का ये टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि आपका नंबर्स का है। चार ऑप्शन है आपके लिए, बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो आपको दिख रहा होगा इसमें आप अपना लॉजिक लगाइएगा, लॉजिक लगाकर वीडियो पुश करके भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो इसमें देखिएगा आप यहाँ से 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 × 2 + 1 तो क्या होता है आपका 11, ये 2 हो गया। अब 11 से स्टार्ट करेंगे, 11 × 2 + 2 यहाँ पर देखो चेंजिंग होती जा रही है, यहाँ पर सीरियल हमारा बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ 24 हो गया। नेक्स्ट बात करूँगा 24 × 2 + 3 कितना हो जाता है, 51 हो गया। अब 51 से करेंगे 51 × 2 + 4, 3 से 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 106 हो जाएगा। लास्ट में बात करेंगे 106 हो गया, 106 के बाद हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारी फिफ्थ संख्या है, तो 5 आ गया, इक्वल टू कितना आएगा, 217, जो कि हमारे बी ऑप्शन में विराजमान है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा आपका, किस किस का क्वेश्चन ठीक था मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका आ चुका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुप्त विकल्प बताओ। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आ चुका है आपके, जैसे कि जिस तरह से हमारा चिकित्सा रोगी से संबंधित है, ऐसे ही शिक्षा किससे संबंधित है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो ये आपको सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल छात्र शिक्षा किससे कौन ग्रहण करता है, छात्र ग्रहण करता है और चिकित्सा रोगी ग्रहण करता है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 6th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है आपका, क्या है, ब्लड रिलेशन से संबंधित आपका क्वेश्चन है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है कि वह मेरे पति, जो पति है उसका हस्बैंड है, देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये सीता है उसके हस्बैंड का, यहाँ पर हस्बैंड आ गए, पति की पत्नी
पति की पत्नी खुद सीता हो गई कि पुत्री, इनकी पुत्री जो होगी कोई भी होता है उसका माइनस कर दीजिएगा, मतलब जो हमारा ऋणात्मक होगा वो हमारी फीमेल होंगे और जो मेल होगा वो हमारा क्या होगा प्लस होगा। तो पत्नी की पुत्री का भी है तो उसका मतलब क्या है, पुत्री का कौन है वो बताइएगा। ये सॉरी भी नहीं है, ये भाई है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पुत्री का भाई है इसका, पुत्री का जो है मान लीजिए आई है वो भाई है इसका। तो ये बताइएगा जो हमारी सीता है, सीता का ये क्या लगा। तो ये आपको बिल्कुल दिख रहा होगा बेटा लगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बात करना चाहूँगा, सेवन क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है। निम्नलिखित विकल्पों से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये हमारे जो हमें अक्षर दे रखे हैं, जो हमारा ट्रांसलेशन दे चुका है, इंटेलिजेशन उसकर उससे हमारे क्या उससे इससे हमारा ये कौन सा ऐसा वाक्य है जो हम नहीं बना सकते हैं, जैसे कैंसिल हो गया ये और तुम्हारा जो भी जेंटल वगैरह दे रखे हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें, देखिए सेकेंड से देखते हैं, एन ई जी एल, देखो एन दे रखा है इसमें, दे रखा है ई, दे रखा है ई, दे रखा है जी, दे रखा है जी, दे रखा है एल, दे रखा है एल भी दे रखा है, थर्ड थर्ड टू टाइम एल भी दे रखा है इसमें भी, और ई इसमें भी दे रखा है ई, थर्ड टाइम ई दे रखा है, सी इसमें है और टी इसमें है। तो ये बन सकता है, जेंटल को भी देखिए ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, बट इसमें देखिएगा एक अक्षर ऐसा है जो ए नहीं है इसमें। आप पूरी मीनिंग्स को देख सकते हैं, इसमें ए नहीं है तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ये आपका नहीं बन सकता है, ए इसमें रॉन्ग है, तो इसलिए ये ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। किस किस का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एट्थ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। यदि सी को किसी कोड में 6 लिखा जाता है, सी को हम क्या लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं, और डॉग को क्या लिख रहे हैं 152, डॉग हम लिख रहे हैं 52, टोटल हमारा जो इक्वल सम बन के आ रहा है। उसके बाद हमारा जो सी को हम लिख रहे हैं 6, तो ये कार को क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं डॉग को हम 52 लिख रहे हैं, सी को क्या लिख रहे हैं, सी की वैल्यू कितनी है तो 3 का इंटू 2 किया है, सबका दो गुना किया है, मतलब 2 से गुणा किया है, तो इसमें दो गुना हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसको अगर कैलकुलेट करेंगे इस हिसाब से तो कार का क्या होगा, बताइए मुझे कार का क्या आंसर आएगा, आपको बताना है। आपकी सेकंड चालू हो चुकी है, आप बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, 44 होगा। आप देख सकते हैं 3 × 2 क्या हो गया 6 हो गया नहीं हो गया, ए का ए 1 × 2 कितना हो गया आपका, कितना हो गया 2 हो गया, और R का 18 × 2 16 हो गया, तो सॉरी 36 हो गया। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 44 आपका आंसर है, बिल्कुल आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट बात करना चाहूँगा, 9th क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। यदि प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, और माइनस का अर्थ इंटू है, और भागित का हमारा प्लस है, और गुणा का हमारा अर्थ क्या है भागित है, तो बताइए हल कीजिए। ये आपको वैल्यू दे रखी है, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है, तो बताइए जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिएगा। आपके लिए समय बहुत कम है, पूछ करके भी कर सकते हैं, इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो देखिए 15, अब इसका इनटू जो माइनस का है तो वो इनटू में हो जाएगा, इनटू में चेंज हो गया, इनटू हो गया, माइनस का प्लस का माइनस हो गया, 10 हो गया। अब जो गुणा है आपका भाग में चेंज हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा 5 आ जाएगा, और जो भाग है हमारा वो किस में चेंज हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं ये क्या रह गया आपका 2 रह गया, और जो आपका बचा हुआ है क्या है ये 3, सॉरी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 यहाँ पर हो गया, प्लस 5 ऑफ माइनस 2, तो क्या हो गया आपका 50 - 2, तो क्या हो गया 48 आपका इक्वल टू आंसर, बिल्कुल ठीक है 48 आंसर आपका होगा। किस किस का सही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका आ चुका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली से हल किए गए हैं, उसी आधार पर दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनकर लिखिएगा। आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। देखिए पहले ऐसे बना रखा है हमने, देखिए वैल्यू दे रखी है हमारी, ऐसे हमने ये कुछ बनाया, इसी तरीके से हमको इसका आंसर देना है। 4 ऑप्शन आपके लिए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो पहला आप देखिएगा 4 × 2 × 5, हम इसको मानते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 हमने इसको मान लिया, तो हमारी वैल्यू आई है 5 4 2, तो हमारा ये देखिए सीरियल कैसे जा रहा है, तो 2 हमारा कहाँ पर, ये 2 हमारा है लास्ट में, तो 3 हमने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 यहीं लिख दीजिए, 2 यहाँ पर लिख दीजिए, और 4 हमारा 1 यहाँ हो गया, और ये 3 हमारा उल्टा हो गया, तो 3 1 2 से हमें ये आंसर देना होगा। तो इसका 3 1 2 कीजिएगा,
तो 9 हो गया, 1 कहाँ पर, 2 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, तो कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक होगा? तो डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक है आपका। ये क्या होगा, 3, 2, 1 आपका सीरियल है, वो उसी के आधार पर हमने आंसर दिया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। किस किस का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और किसने सबसे जल्दी किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए जो लुप्त हमारा पद है वो कौन सा होगा। 11th क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, 8 से हमारा 27 हो गया, 9 से क्या हो जाएगा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही खराब करके रह जाते हैं, वैल्यू एकदम बन जाती है, कभी कभी वैल्यू नहीं बन पाती है एकदम। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, आपकी नज़र में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिएगा आपको दिख रहा होगा, एक देख सकते हैं आप, 8 × 3 + 3 क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है हमारा बताइए, 27 हो गया, नहीं हो गया। ऐसे ही अगर हम 9 × 3 + 3 करेंगे तो क्या होगा हमारा बताइए, 30 हो जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, आपका बी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 12th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, विषम संख्या चुनें। ये हमारी इसमें से 3 ऐसी कुछ संख्या होंगी जो कि एक दूसरे से संबंधित होंगी, बट एक संख्या ऐसी होगी जो कि सबसे अलग होगी, विषम होगी। तो बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो कि इन सबसे विषम है, बताइएगा। तो इसका अगर हम टोटल करते हैं तो 24 आता है, इसका टोटल करते हैं 24 आता है, इसका टोटल करते हैं तो हम 24 पाता है, लेकिन जब इसका हम टोटल करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है, जो कि ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, गलत आंसर है, ये हमारा आंसर होगा। ये तीनों क्या है, अपने इक्वल हैं, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये सी ऑप्शन का 9 आ रहा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होने वाला है। नेक्स्ट बात करना चाहूँगा, आपका 13 क्वेश्चन आ चुका है, आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, संबंधित शब्द चुनिए, संबंधित इससे संबंधित जो भी शब्द आपके लिए होंगे वो हम तुम आपको बताना होगा। शीघ्र से हम धीरे हो जाते हैं, शीघ्र जो भी होगा विलोम शब्द है धीरे, उसके बाद पीछे का विलोम शब्द क्या होगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे जब पीछे होंगे तो आगे, तो ये विलोम शब्द है, विलोम शब्द बताया गया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। किस किस का को ये बिल्कुल करेक्ट है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है 14 क्वेश्चन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये देखिएगा ये सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके लिए होते हैं क्वेश्चंस, तो आपको ये करना होगा। देखिए 1272 को हमने अगर कुछ भी करके हमने इसकी वैल्यू निकाली है 1212, उसके बाद 720 को हम हमारा क्या, इसमें 4 ऑप्शन हमने दे रखे हैं, कौन सा ठीक होगा, ऐसी कुछ वैल्यू देखिए जिससे हमारा 212 हो जाए, तो ये ऐसे कैसे हुआ है, यही तो हमें लगाना है, पता लगाना है। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे बताइए क्या इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, कैसे किया उन्होंने। तो ये आप देखिएगा, पहले अगर हम इसको हम क्या करते हैं 1272 इससे हम भाग देते हैं 6 का, तो क्या हो गया 6212, तो क्या हो गया 212 हो गया, 212 बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ऐसे ही सिंपली हमें क्या करना है, 720 से 6 का हमें क्या करना है, भाग करना है 620, तो ये क्या हो गया 120 बिल्कुल सही आंसर होगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। किस किस का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है, विषम चुनिए। विषम क्या होगा इसमें 4 ऑप्शन में, तो सबसे ज़्यादा सबसे अलग कौन सा है, कौन सा गलत है वो मुझे बताइएगा। तो ये देखिए m हमारी वैल्यू 13 होती है, बिल्कुल ठीक बात है, r हमारी 18 होती है, t हमारी 20 होती है, और p हमारा क्या होता है बताइएगा, p हमारा क्या होता है, तो p हमारा देखो जो O होता है वो 15 पर होता है, P नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो ये हमारा C और जो हमारा D आंसर है वही बिल्कुल ठीक होगा। तो यही आपके क्वेश्चन थे, वीडियो कैसी लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, 15 में से आपके किसने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए आज का क्वेश्चन मैं दे रखा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जो वृत्त से संबंधित है वो गोला क्षेत्र है, तो वर्ग से क्या संबंधित है, जो कि हमारा क्या होगा 2D जो हमारा होता है वो वृत्त से तो गोला क्षेत्र है लेकिन वर्ग सॉरी वृत्त से तो गोला क्षेत्र है लेकिन वर्ग से क्या है, तो ये संबंधित 4 ऑप्शन आपके लिए, बताइए आपको आंसर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके वही आंसर का रेस्पॉन्स देंगे कि आप सही है गलत है। ठीक है, उसके बाद आपकी ये वीडियो अंत होती है, आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो नए छात्र हैं हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सारी अपडेट एग्जाम से रिलेटेड और जो भी क्लासेज आपकी होती हैं वो आपको प्रतिदिन मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।